आज हम लोग देखेंगे ट्रू बेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए ट्रू बेयरिंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड बेयरिंग्स जब हमारा दिया हो तब हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन होता क्या है, ये ट्रू मेरेडियन एक हो, ट्रू मेरेडियन के अगर राइट में हमारा मैग्नेटिक मेरेडियन हो तो मतलब राइट मतलब इस डायरेक्शन में, तब हम लोग पॉजिटिव डिक्लाइनेशन कहते हैं। और जब हमारा मैग्नेटिक मेरेडियन हमारा ट्रू मेरेडियन का लेफ्ट में हो मतलब वेस्ट डायरेक्शन में हो तब हम इसे नेगेटिव डिक्लाइनेशन कहते हैं। ट्रू बेयरिंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। जब हमारा ईस्ट डायरेक्शन में हो तब हम पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, जब हमारा वेस्ट डायरेक्शन में हो तब हमारा नेगेटिव लेंगे, डिक्लाइनेशन हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारा वेस्ट है तो वेस्ट के केस में हमारा डिक्लाइनेशन नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव हम लोग पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक बेयरिंग हमारा क्या था, मैग्नेटिक बेयरिंग या फिर सिंपली उसको बेयरिंग भी अगर लिखते हैं तो भी उसको मैग्नेटिक बेयरिंग ही समझा जाएगा। देखिए 45 degree 14 minutes है, डिक्लाइनेशन हमारा 5 degree 45 minutes वेस्ट है, वेस्ट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग करेंगे। तो ट्रू बेयरिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट था इस कॉन्सेप्ट में इसको बैठा देते हैं, तो ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू 45 degree 15 minutes माइनस 5 degree 45 minutes, ये हमारा नेगेटिव आया ड्यू टू वेस्ट, इक्वल्स टू यहाँ देखिए 15 minutes है, यहाँ 60 या इसको 60 मिल जाएगा, एक डिग्री में 60 मिनट, यह जगह 75 माइनस 45 हो गया तो कितना हो गया 30 मिनट आ गया, और यहाँ तो 44 degree माइनस 5 degree तो 39 degree 30 मिनट हो गया। थैंक यू।